हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मैं नर्डी और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो सी एस गो है उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट कैसे करा जाए, या फिर किसी का अगर FPS ड्रॉप आता है तो उसको कैसे ठीक करा जाए। ठीक है, तो गाइस बिल्कुल ही छोटा सा फिक्स है, ठीक है, बहुत लंबा नहीं है, मैक्सिमम यहाँ 2 या 3 मिनट का फिक्स है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, 2 3 सेटिंग्स ही करनी है बस। तो गाइस सिंपल सा फंडा है आपको। सबसे पहले जो स्टेप है आपका, सबसे पहले आपका स्टेप है आपको माई कंप्यूटर खोलना है या फिर दिस पीसी, इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाओगे, देन एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना है, देन एडवांस टैब में, देन परफॉर्मेंस के सेटिंग्स में जाना। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे करना है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस कर लेना है। ठीक है, आप जब इसको सेलेक्ट करोगे इसको अप्लाई कर देना, देन इसको ओके ठीक है, सब कुछ बंद कर देना। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, आज जहाँ पे आपका CS:GO इंस्टॉल्ड है ना, आपको उसकी डायरेक्टरी में जाना है। अब जैसे मेरा इस ड्राइव में इंस्टॉल्ड है स्टीम एप्स कॉमन CS:GO, ठीक है, मेरे यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो आपको करना क्या है, अपने CS:GO की रूट डायरेक्टरी में जाना है, वहाँ पे जाके CS:GO जो exe फाइल है ना उसको आपको करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है उसकी। ठीक है, कंपैटिबिलिटी यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो डिसेबल, अगर ये आपको टिक को रखा होगा डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन, इसको डिसेबल करना, और रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इसको सेलेक्ट कर देना, देन अप्लाई कर देना, देन ओके कर देना। ठीक है गाइस, ठीक ठीक है गाइस। इसके बाद आपका क्या करना है, आपको स्टीम खोलनी है एक बार, ठीक है ना। इसके बाद आपको स्टीम खोलना है, और गाइस जो बता रहे हैं पूरा FPS का ही फिक्स है। ठीक है, अच्छा कैसे FPS ड्रॉप आ रहा है, FPS कम आती है, कुछ भी हो, सब पूरा टोटल फिक्स है इसका, ठीक है ना, CS:GO के लिए। तो गाइस इसके बाद इन सेटिंग्स के बाद आपको स्टीम खोलनी है, स्टीम खोलने के बाद आपको CS:GO की यहाँ प्रॉपर्टीज में जाना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाओगे, यहाँ बीटास में जाओगे। ठीक है, बीटास में जाने के बाद यहाँ पे जो लेटेस्ट बीटा दिख रहा है ये 1.37.5.5, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये अपडेट करने को बोल रहा होगा, आपका अपडेट होगा। ठीक है, इसको अपडेट होने दो, उसके बाद बताता हूँ आगे क्या करना है। तो गाइस देख सकते हैं आप, मेरा गेम अपडेट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद मैं उसको प्ले करूँगा, आपको प्ले करके दिखाऊंगा एक बार कि क्या चीज़ चेंज है कि नहीं है। चेंज वैसे कुछ नहीं है, बेसिकली आपको आप गेम नहीं खेल पाओगे अभी। ठीक है, आप गेम नहीं खेल पाओगे, आपको एक एरर आएगा, स्टीम क्लाइंट अपडेट करने के लिए बोलेगा, और वो अपडेटेड आपका आप नहीं कर सकते उससे और अपडेट। ठीक है, तो आपको एक बार गेम चलने दो, उसके बाद दिखाता हूँ आपको कि इसके आगे क्या क्या स्टेप्स हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं। तो गाइस जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा एक पॉपअप आ रहा है, ठीक है, योर क्लाइंट नीड्स टू बी अपडेट। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक बार गेम चलाना है, वो बीटर डालने के बाद देन आपको गेम कर देना है क्लोज। ठीक है, आप गेम क्लोज करोगे देन आपको सेम स्टेप्स करने हैं रिपीट, आपको CS:GO की प्रॉपर्टीज में जाना है, ठीक है, बीटाज में जाना है, देन बीटा में जाके इस बार नन कर देना। ठीक है, नन करोगे, क्लोज करोगे, देन आपका फिर से अपडेट करने को बोलेगा, फिर आप अपडेट करना या आपको बैक टू ओरिजिनल फाइल्स ला देगा जो रिसेंट चल रही है अभी। ठीक है, बेसिकली जो लास्ट टाइम हमने करा है बीटा वाला, इसमें हुआ क्या है कि जो आपकी जो डैमेज फाइल होंगी ना, जिसकी वजह से आपका FPS ड्रॉप या जो भी आ रहा होगा प्रॉब्लम आपको, तो वो आपका फिक्स हो जाएगा, तो ओरिजिनल फाइल से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश फाइल से, नई फाइल से। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, बहुत इजी फिक्स है, आपको दोबारा आप इसको अपडेट करो। ठीक है, अपडेट करना, इसको चला के देखना, और गाइस कमेंट बॉक्स में ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका वो रिव्यू देना मुझे कि आपके FPS ड्रॉप फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर होता तो बहुत अच्छी बात है यार, अगर नहीं होता तो मुझे दोबारा बताइए, ज़रूर बताना, तो ताकि मैं फिर नया फिक्स दूँ आपको। ठीक है, और जो बीटा वाला फिक्स है ना, वैसे जो ये फाइल्स वाला है मैंने बताया है, ये वैसे गारंटीड है कि वर्क करेगा करेगा, क्योंकि हर बंदे में वर्क करता है, हर बंदे के PC में मैंने जो अप्लाई करा है, हर के में वर्क करा है। ठीक है, और जो बाकी स्टार्टिंग में सेटिंग्स बताई थी वो मैंने उस पर कराई है, जिनका लो एंड PC थोड़ा उनकी FPS बूस्ट हो जाए। ठीक है ना गाइस, तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।